अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन डी राइटिंग राइटिंग सेंटेंसेस ठीक है हमें क्या करना है डिस्क्राइब द मून मून के बारे में बताना है चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ठीक है द मून गिव्स अस लाइट एट डैश हमें लाइट uh, देता है कब नाइट में रात को दे रहे हैं यानी द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट एन आई जी एच टी नाइट द लाइट इज कॉल्ड अभी मून जो लाइट दे रहा है उसे मून लाइट कहेंगे राइट द लाइट इज कॉल्ड मून लाइट ओके द मून डज नॉट लुक द सेम ऑन ऑल डैश अभी हर रात को चांद थोड़ा बढ़ता है थोड़ा कम होता है राइट तो हर रात यानी बहुत सारी रातों को चेंज होता है द मून डज नॉट लुक द सेम ऑन ऑल नाइट्स एन आई जी एच टी एस नाइट्स इट्स डैश कीप्स चेंजिंग उसका शेप राइट उसका शेप और अलवाइज चेंज होता है कभी पूनम होती है तो कमा कभी अमास होती है और फिर पूनम के अमास के बीच में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है या फिर थोड़ा थोड़ा घटता है राइट इट्स शेप यानी कि आकार चेंजिंग वो बदलता रहता है ऑन डेज देर इज नो मून एट ऑल राइट अमास के दिन हमें चांद नहीं दिखता sometimes we see the moon as a thin curved dash हमें कभी-कभी कैसे दिखता है चांद एक कर्वड लाइन की तरह राइट right? तो यहाँ पे लाइन आएगा sometimes we see the moon as a thin curved line then it starts dash day by day फिर क्या होता है जब वो एकदम कव्ड होता है फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ के पूरा चांद हो जाता है राइट तो देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग यानी बढ़ता है स्टार्ट्स ग्रोइंग डे बाय एक दिन के बाद दूसरे दिन में थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है स्लोली इट बिकम्स डैश इन सेप यानी जब अमास से जब ये थोड़ी लाइन होती है फिर धीरे धीरे बढ़ के पूरा राउंड मिलता है पूनम के दिन तो क्या आएगा स्लोली इट बिकम्स राउंड इन शेप राइट पता चला ये वेरी गुड